पति की दहेज के लिए प्रताड़ना, परिवार की गरीब स्थिति, पति के नाजायज संबंध व पति द्वारा पीटे जाने से परेशान महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। परिजनों ने लगाया जाम, ठिलिया में लेकर पहुंचे शव, प्रशासन ने नहीं मंगाए एम्बुलेंस। यूपी के बांदा में एक विवाहिता महिला ने पति की प्रताड़ना। अन्य महिला से नाजायज संबंध, कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद एक साल बाद भी न्याय न मिलने और मायके पक्ष की गरीबी के हालातों से परेशान होकर डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। एल महिला की मौत के बाद परिजन स्थानीय लोगों के साथ शव को ठिलिया में लेकर जिला परिषद चौराहा पहुंचे व चक्का जाम कर दिया। एल प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यवाही व उचित मुआवजा दिलाने की मांग के आश्वासन के बाद परिजनों ने एक घंटे बाद जाम खोला। एल वहीं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संवेदनहीनता भी देखने को मिली है, जहां जाम खुलवाने के बाद पीड़ित परिजन शव को ठिलिया में घसीटकर वापस अपने घर ले गए, पर किसी भी अधिकारी ने हालातों को देखते हुए एम्बुलेंस बुलाना उचित नहीं समझा। एल स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक महिला के माता पिता के पास अंतिम संस्कार का भी पैसा नहीं है, जिस पर स्थानीय लोग व नाते रिश्तेदारों की मदद से अंतिम संस्कार किया जाएगा। एल महिला हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़ी थी, जिस पर बजरंग दल अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे व पुलिस से ससुरालीजनों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की। मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहार तलैया मर्दन नाका का है, जहां की निवासिनी 27 वर्षीय महिला उषा देवी की शादी सन 2014 में पल्हारी गांव के निवासी विनोद प्रजापति से हुई थी। एल शादी के बाद से उसका पति उसे दहेज उत्पीड़न व मारपीट करने लगा, जिसके बाद सन 2018 में उसके पति ने महिला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वह अपने बूढ़े माँ बाप के पास रहने लगी। एल महिला के दो बच्चे हैं, 4 वर्षीय लड़का आदित्य व 6 वर्षीय लड़की सृष्टि, जिसमें लड़की ससुराल में अपने पिता के पास रहती है। 3 साल तक महिला ने पति का इंतजार किया, फिर 1 वर्ष पहले पुलिस से न्याय की गुहार लगाए और पुलिस मदद ना मिलने पर महिला ने 2022 में ससुरालीजनों पर दहेज हत्या व मेंटेनेंस का केस दर्ज कर दिया, जो कि अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। लगभग 10 दिन पहले महिला की लड़की सृष्टि, जो कि ससुराल में अपने पिता के साथ रहती थी, वो बीमार पड़ गई, जिस पर महिला उसे देखने ससुराल गई, जहां ससुरालीजनों ने उसे लड़की से मिलने के बजाय मारपीट कर भगा दिया। एल इसके बाद महिला अपने मायके आ गई और परिजनों ने उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ 1 हफ्ते उपचार के बाद उसे घर लाया गया, जिसके अगले दिन 22 फरवरी को डिप्रेशन व तनाव की स्थिति के चलते महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद 23 फरवरी की देर शाम महिला के परिजनों ने ससुरालीजनों पर कार्यवाही व बच्चे को उसका हक दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय 1 सैकड़ा लोगों के साथ शव को ठिलिया में लेकर जिला परिषद चौराहा पहुंचे व शव रखकर चक्का जाम कर दिया। एल चक्का जाम से लगभग 1 घंटा तक यातायात बाधित रहा। एल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के न्याय की मांग के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खत्म किया व शव को ठिलिया में ही घसीट कर घर चले गए। एल वही मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी मूल दर्शक बने खड़े रहे, पर किसी ने भी एम्बुलेंस बुलाना उचित नहीं समझा। एल परिजनों व स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत महिला के परिवार की स्थिति बेहद खराब है, बूढ़ा पिता पैर से बीमार है, जिस पर मां मजदूरी कर घर का पालन पोषण करती है। बताया कि इनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं है, हम सबकी मदद से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। एल परिजनों ने बताया कि महिला का पति शादी के बाद से ही दहेज उत्पीड़न व मारपीट करता था, पति का दूसरी महिला से नाजायज संबंध है, वही घर के निकाले जाने के बाद महिला को पुलिस से भी मदद नहीं मिली, जिस पर कोर्ट से दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था। घर की माली हालत से परेशान और 10 दिन पहले अपनी बच्ची से मिलने जाने पर पति द्वारा मारपीट कर घर से निकाले जाने के बाद से वह डिप्रेशन में चल रही थी। इन्हीं सब वजहों से महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की है। एल वही सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने बताया कि महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा व जांच कराते हुए उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आया क्योंकि ये जो बिटिया आज जहर खा के खत्म हुई है, जैसे भी मरी है, ये हमारे संगठन से जुड़ी हुई थी और 2 साल पहले इसको जो है हम एक बार इसके पति के पास छोड़ाए थे। इसके पति का जो है एक महिला के साथ अवैध संबंध है, उसके चलते हुए ये अपनी पत्नी को नहीं रखता था और अपनी बड़ी बिटिया जो है उसको रखे था, छोटी बच्चा जो था लड़का वो अपनी माँ के पास रहती थी। तो इसकी माँ जो है उससे मिलने जुलने अपनी बच्ची से मिलने जुलने जाती थी और इसका पति जो है बहुत दुष्ट था, उसी की वजह से आज ये मरी है। अवैध संबंध किसके थे? उस जो क्या कहते हैं इसके पति के और किसी महिला से थे, वो हम नहीं कहना चाहते। अब वो सब हम नहीं बताएंगे। बॉडी रख करके हंगामा किया गया, जाम लगाया गया, काफी दिन तक हंगामा रहा, क्या रहा है पूरा मामला सर? ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत लोहार तलैया है मर्दन नाका चौकी क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक महिला जिसकी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी,
कल अपने मायके में ही उसे संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मां मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिसी को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी, बातचीत करके मसले को सुलझा लिया गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको लेकर जाम लगाया हुआ क्या? 8 साल से हो गया, वो लेने भी नहीं आया टेंशन के मारे। कौन लोग लेने नहीं आए? ससुराल वाले। क्या नाम है उनका? हाँ, 5,000 रुपए मांग मारता था, वो चला जाता था। कहाँ पे आई? पलरी। पलरी में? हाँ। कैसे मृत्यु हो गई है? यह टेंशन के मारे खत्म हो गई। टेंशन के मारे खत्म हो गई है। ये बताइए क्या नाम है लड़की का? लड़की क्या नाम है? ऊषा। ऊषा कहाँ रहती थी अभी? लोहार तलैया। लोहार तलैया मायके में? मायके में। क्या नाम था? ऊषा। ऊषा नाम था। कितनी उम्र थी? 26 साल। शादी हुए कितने समय? एक बच्चा एक बिटिया बिटिया लिए हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? 10 साल हो गए। 8 साल हो गए। अभी क्या कहते हो? क्या चाहते हो? आना चाहिए इंसाफ, उनको अंडर किया जाए, बच्चे के नाम कुछ किया जाए। अच्छा, उनको पकड़ के लाइए, हम बच्चे के नाम जो उनके पास है उनके नाम बच्चे के नाम कर दिया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या किया, किस बात को लेकर आत्महत्या की है क्या उन्होंने? ये आकस्मिक निधन है। कैसे मौत हुई है? वो जहर खा के डिस्ट्रक्शन कर लिया। जहर खा के? यहाँ के जो अपने मायके में रहती थी, पति से उनका मुकदमा चल रहा था, तो उनकी डेथ हो गई है किसी कारण से। उसका पीएम हो गया है, गठबाड़ी लोग घर लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ चौराहे के पास रख के उन्होंने जाम लगा दिया। जो उनके पति हैं उनके खिलाफ FIR हो, विधिक कार्रवाई हो, और जो उनका बच्चा है उनके नाम जो पिता की प्रॉपर्टी वो आए, इसके क्रम में तहरीर दे दिया उन्होंने, मुकदमा लिखा जा रहा है। और जो उनके नाम बच्चे के नाम संपत्ति आने के बारे में कहा है उसकी जाँच की जा रही है। अगर उनके पति के नाम जो जमीन रही होगी वो बच्चे को आएगी। क्या इनके जाम खुलने का रीजन पता शुरुआत या क्या करेंगे अपने मंत्री या कोई और कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, इन्होंने कहा है अंतिम संस्कार करने अपने घर ले जा रहे हैं गठबाड़ी, उसके बाद अपना अंतिम संस्कार।